की पहली सूची जारी कर दी है। सूची का ऐलान कर दिया, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। लंबे दौर की बैठक चली, मैराथन बैठकों के बाद आखिरकार मोहर लगा दिए पहली लिस्ट पर भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस बात का इंतजार जनता कर रही थी, मतदाता कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। 67 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। 90 विधानसभा सीटें जिसके चुनावी अखाड़ा सजा हुआ है, इसमें अपने 67 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतार दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 67 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाकर औपचारिक ऐलान कर दिया है। अब ये नाम थोड़ी देर बाद आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, कौन सी विधानसभा सीट पर किस पर दांव खेला है बीजेपी ने, सत्ता की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए किन चेहरे मोरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चुनावी बिसात बीत चुकी है, इंतजार था दो बड़ी सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 67 उम्मीदवारों के नाम इस पहली लिस्ट में बाहर आए हैं, जिन पर आलाकमान ने फैसला सुना दिया है कि ये हमारे सिपाही होंगे इस बार के चुनावी रण के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज 18। सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा रहा है कि हरियाणा बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लंबा इंतजार, लाडवा से शिवनाथ सिंह सैनी मुख्यमंत्री की सीट का ऐलान हो गया है। लाडवा से, जैसा कि मोहनलाल भड़ोली ने पहले कहा था कि लाडवा से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 पर कहा कि नहीं, मैं करनाल से विधायक हूं, मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब मोहर लग गई है, सीट तय हो गई है लाडवा। कालका से शक्ति रानी शर्मा, आज ही शक्ति रानी शर्मा कार्तिकेय शर्मा जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे और टिकट उनकी कालका से पक्की। पंचकुला से श्री ज्ञान चंद गुप्ता, अंबाला कैंट से अनिल वे, जम्बाला शहर से असीम गोयल, मुलाना से संतोष सारवान को मौका दिया है। साढ़ोरा से श्री बलवंत सिंह, इसके अलावा जगाधरी से श्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, रादौर से श्याम सिंह राणा जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, शाहबाद से सुभाष कलसाना, थाने से सुभाष सुधा, पिहवा से सरदार कमलजीत सिंह अजराना, गुला से कुलवंत बाजीगर पर दाव खेला है। कलाट से कमलेश ढांडा पर फिर दाव खेला पार्टी ने। कैथर से लीलाराम गुर्जर, ये चेहरे रिपीट किए गए हैं। नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, इंद्री से श्रीराम कुमार कश्यप, कना से जगमोहन आनंद, ये जगमोहन आनंद पर दांव खेला करनाल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने। इसका विश्लेषण भी करेंगे कि आखिरकार किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारने से क्या फर्क पड़ता है, वहां के चुनावी समीकरण, वहां का चुनावी गणित क्या कहता है। घरौना से हरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा पर ही दांव एक बार फिर से खेला गया। पानीपत शहर में प्रमोद कुमार विज, पहले से यह तय था कि इनका नाम होगा, नाम पर मोहर लग गई है। सराना से कृष्णपाल पवार को टिकट बीजेपी ने दिया है। समालखा से मनमोहन बढ़ाना, खरखोदा से पवन खरखोदा, सोनीपत से निखिल मदान। न्यूज 18 ने इनमें से ज्यादातर नामों पर पहले ही आप तक जानकारी दी थी कि ये नाम संभावित हैं। करीब करीब वही सूची हमारे सामने इस वक्त है बीजेपी की तरफ से। गुहाना से अरविंद शर्मा, सफीदों से राम कुमार गौतम को टिकट दिया है। राम कुमार गौतम जो जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, पिछली बार जेजेपी की टिकट पर नानों से चुनाव मैदान में उतरे थे। इस पर भी सवाल थे कि नानों सीट से उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि वहां से कैप्टन अभिमन्यु दावेदार थे। अब सफीदों में एडजस्ट किया गया है राम कुमार गौतम को। जीन से कृष्णलाल मिडा, उचाना कला से देवेंद्र अत्री, ये नाम भी हमने आपको पहले बता दिए थे। टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली जो कांग्रेस में जाना चाहते थे, टिकट नहीं मिली तो बीजेपी में आए, बीजेपी ने टोहाना से उनको चुनाव मैदान में उतारा है। सुभाष बराला ने चुनाव यहां से लड़ा था, हार गए थे देवेंद्र बबली से, लेकिन अब वो राज्यसभा जा चुके हैं, रास्ता साफ था देवेंद्र बबली का। फतेहाबाद से दूड़ा राम बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के खाते की ये टिकट है। रतिया से सुनीता दुग्गल, अब देखना होगा कि क्या यहां पर दंगल होगा। नाराजगी पहले ही सामने आ गई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की कि बाहरी कैंडिडेट उनको स्वीकार नहीं है।
रतिया से सीट दी सुनीता दुग्गल को, लोकसभा का सिरसा से टिकट काटा गया था, कुछ न कुछ आश्वासन तो मिला होगा तभी रतिया से उन्हें टिकट दिया गया है, कालावाली से राजेंद्र देसुजोधा को टिकट दिया है, रानिया से शीशपाल कंबोज, ये भी बड़ा अपडेट है। तो क्या पत्ता कट गया रणजीत चौटाला का? उम्मीदें लगाकर बैठे थे, आज भी न्यूज 18 पर बोल रहे थे कि उम्मीद है उन्हें कि पार्टी टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने शीशपाल कंबोज पर उम्मीद जताई है, भरोसा जताया है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई को फिर चुनाव मैदान में उतारा है, उकलाना से अनूप धारा के भी जेजेपी से आए हुए हैं और राज्य मंत्री भी थे, लेकिन अब पार्टी बदल चुके हैं तो अनूप धानक, इनका नाम भी हमने पहले आपको बताया था। नारनौल विधानसभा सीट से कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व वित्त मंत्री, कद्दावर नेता, जाट चेहरा बीजेपी का, हांसी से विनोद भ्याणा, ये नाम वही नाम है जो न्यूज 18 पहले ही आप तक पहुंचा चुका था, सिर्फ अंतिम मोहर लगना बाकी। बरवाला से रणबीर गंगवा, नलवा से इनको बरवाला में एडजस्ट किया गया है, जोगीराम सिहाग का अब क्या होगा वो भी हम आगे देखते हैं। रणबीर गंगवा को बरवाला से बीजेपी ने टिकट दिया है, हिसार से कमल गुप्ता, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां लग रहा था कि जिंदल परिवार के किसी सदस्य को यहां पर टिकट दी जाएगी, क्योंकि जिंदल परिवार, डॉक्टर कमल गुप्ता आमने सामने थे पिछले काफी दिनों से। नलवा से रणधीर पनिहार, कुलदीप बिश्नोई के गहरे दोस्त, कुलदीप बिश्नोई ने पैरवी की थी सीट के लिए। लोहारू से जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री, सड़सठ नाम है, वो नाम आपको हम बता रहे हैं। लाडवा से नाथ सिंह सैनी, धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी इसी बड़ी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ जुड़े हैं। लगता है संपर्क टूट गया, मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े विनीत, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनीत, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और करीब करीब जिन नामों पर हम चर्चा कर रहे थे उन्हीं नामों पर मुहर लगाकर यह ऐलान हुआ है। हाँ जी, निश्चित तौर पर हम बताने चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को जो नाम बता रहे थे उन्हीं नामों की घोषणा जो है वो हुई थी। आज शाम हमने अपने दर्शकों को बताया था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है, कालका के उम्मीदवार में शक्ति रानी में शर्मा ने मुलाकात की थी, कार्तिकेय शर्मा में जो है राज्यसभा सांसद है उनके साथ उन्होंने अपनी माँ के साथ मुलाकात की थी और उन्हें कालका से टिकट जो है वो दे दिया जाता है। तो इन्हीं नामों की चर्चा जो है वो हम लगातार अपने दर्शकों के साथ कर रहे थे और लगातार जो अपडेट हो रहा था वो हम बता रहे थे और इसी कली में हम देख सकते हैं कि उन्हीं नामों की घोषणा हुई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुनीता दुग्गल को टिकट दिया गया, क्योंकि सुनीता दुग्गल जो है वो लोकसभा की सांसद थी, लोकसभा में उनका टिकट कटा था और उसी समय उन्हें आश्वासन दिया था कि पार्टी जो है वो पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, विधानसभा में उनका उपयोग करेगी। जब हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी होती है कि वो किसे कब किस तरह से और किस समय उसका उपयोग कर सकती है। तो सुनीता दुग्गल को जो है वो इस बार विधानसभा का टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उन्हें भी इस बार टिकट दिया गया है, हालांकि पिछली बार चुनाव जो है वो हार गए थे। कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, वित्त मंत्री रहे थे लेकिन उन्हें भी पार्टी ने इस बार अपना उम्मीदवार जो है वो बनाया है। ओपी धनखड़ को जो है वो भी पार्टी ने टिकट दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 67 नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी की ओर से की गई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो जिन नामों की घोषणा की है इसको लेकर के मंथन जो है वो लगातार चला है। आखिरी वक्त तक हम कह सकते हैं कि इसको लेकर के मंथन जो है वो चल रहा था कि हमने जब शुरुआत में देखा कि जब जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहते हैं, उसके बाद लगभग सब कुछ तय हो जाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें कि जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर बदली है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है जिसमें मुख्यतः अगर हम बात करें कांग्रेस की ओर से, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की हो, उनकी ओर से गठबंधन की बात जिस तरह से आगे बढ़ी है, लगभग हम कह सकते हैं कि उनका गठबंधन जो है वो पक्का हो गया है। उसके बाद फिर बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और बीजेपी ने जो हमें जानकारी मिली थी जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उस वक्त ही बीजेपी ने 50 से अधिक उम्मीदवारों के नामों की
तय कर लिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बदली है, उसके बाद बीजेपी ने अपनी ओर से एक स्ट्रैटेजी बनाई, लगातार मंथन हुआ। हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मंथन हुआ, इसके साथ ही साथ हरियाणा में भी बैठकों का दौर जारी रहा, और उसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मुलाकात की है सभी जो। लेकिन बहुत चौंकाने वाली तस्वीर इसमें ज्यादा हम देख नहीं पा रहे हैं विनीत, आप बने रहिएगा मेरे साथ। बीजेपी